हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राम राम जी। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। तो सुबह के 7:30 बजे हैं और मैं नहा धोकर रेडी हो चुका हूँ, क्योंकि आज जाना है मुझे जिले पर जाना है मुजफ्फरनगर। तो वहाँ पर जो है कुछ गाड़ी जाएगी विकलांगों की, तो उन्हें उनके यंत्र मिलेंगे, जैसे कि व्हील चेयर, खुलिया और भी अन्य सामग्री है जो विकलांगों को, दिव्यांगों को मिलेगी। तो 6-7 गाँव हैं हमारे, उनमें से जाने हैं। बस आ चुकी है सरकारी ब्लॉक पर, तो वहीं से जाना है। ब्लॉक पर जाऊंगा पहले, उसके बाद जो है गांव में जाएंगे। तो घर घर यानी कि गांव गांव से उठा लाऊंगा, वो लेकर चलेंगे जिले पर। तो आपको भी मिलूंगा और दिखाऊंगा कैसे और क्या क्या मिलता है। तो पूजा भी खाना बना रहे हैं, नाश्ता पानी कर रहे हैं, मतलब कि तो नाश्ता बना रहे हैं, तो नाश्ता लेकर चलेंगे। पापा जी भी रेडी हैं। पापा जी देखिए, फोन पहन लिया पापा जी ने। हेलो, वो टाइटा नहीं या पहलो तो ठीक है। ठीक है, वो जैसे वो मोटे हो जा। नहीं, कैसा लगा भाभी का उड़? मैं पहलो जा था। हाँ पहलो। हेलो, गुड मॉर्निंग जी। आप सभी आशा करते हैं आप भी सब ठीक ठाक होंगे। भगवान जी से आशा कर रही हैं और हम भी ठीक हैं। तो पूजा ने रोटियाँ बना दी है, तो इधर चाय बना दिया। देखे दाल से गर्म कर दो, दो रोटी खाई जा सुबह का टाइम, तो खाई जाती है। अरे तो खा लेता सुबह में, किस टाइम मिला किस टाइम क्या लेटर का डाल दिया मुझे क्या होता लेटर का गैस जलाई थी। पहले थोड़ा सा गर्म पानी पी लेता हूँ और फिर नाश्ता पानी करूँगा। बुढ़ाना बुलाता हूँ पहले, उसके बाद बाइक निकाल लिया बाहर और कुछ देखे मसाला बना था, कुछ ये पड़ा दशक तसले गए नहीं, बस पाँच एक तसले दे रहे हैं यहाँ पर। और ये देखो, तो मार्बल में जो है दाना भरवाएंगे, ये 1 इंची है बीच में सारी जगह और ये 2 इंची है बराबर साइड में, जो बराबर की पट्टी है। इधर भी मैंने कार्य शुरू कर दिया, ये देखिए। तो आज ये कमरा कंप्लीट हो जाएगा जहाँ तक उम्मीद है मुझे, और फिर इसमें दाना भर देंगे। हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आए हो क्या आप सब बच्चे हो? मैं भी अच्छी हूँ और मेरी फैमिली भी अच्छी है। तो देखिए सुबह का टाइम है, अभी बजे है 8। तो अमित भाई और पापा जी जा चुके हैं ड्यूटी पर अपनी। आज अमित भाई भी जल्दी जा रहा था कि आज आया तो कुछ काम था इन्हें। तो आज है मकर संक्रांति, तो आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मौसम भी आज खराब सही हो रहा है, देखिए कल तो धूप भी निकल जाती है सब है, पर आज नहीं है, आज तो मौसम खराब ही है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी। पहले झाड़ू ले आ देती हूँ, इसके बाद में मुझे और काम करना है। मैंने अपने लिए भी गर्म पानी रख दिया है, तो ताज़ा पानी भर दिया है, लाइट आई थी अभी तो ताज़ा पानी भर चुका है हमारा। तो बंद करने जा रही हूँ मैं नीचे, देखे मौसम कितना हो रहा है, हवा चल रही है पूरी ठंडी ठंडी। तो मैंने रात शाम के टाइम ना 4 बजे से ऊपर भी झाड़ू से मार दी थी, अच्छा सा लगता है भैया। देखिए साफ सफाई कर रखी है मैंने ऊपर से। क्या कर रही ऊपर है? क्या कर रही ऊपर? वो ना ऊपर आन के बंदरों का सामना करती है, जो बंदर आते हैं हमारे यहाँ पर। ऐसे तो हमारे घर पे तो आते नहीं, पड़ोस में आते हैं, तो इससे वो पूरा हमला करती है ऊपर से ही। यहाँ पर खड़ी हो जाती है या यहाँ पर खड़ी हो जाती है इधर साइड, ऊपर ऊपर ना बहुत ठंड हो रही है, बहुत हवा चल रही है ऊपर। चलो तो देखिए फ्रेंड, झाड़ू भी मैंने ले आ दी है बाहर भी, देखिए आंगन में भी। तो जिन्ने में आ गया, जिन्ने में ले आते थे पहले।
तो फ्रेंड्स देखिए जितने में भी ले आती है मैं से देखिए साफ कर दिया है। यहाँ पर भी देखिए ये चलते हूँ ऊपर। यहाँ पर फ्रेंड्स मसाला बना दिया है। इधर चाचा जी चाय पी रहा है, इधर काम चालू हो रहा है। क्या भाई जो बनाए आने देखे घरी बट्टी देखने गए ठीक है देख क्या बजेगी। हाँ बजा होगा ना जितने देखे दोस्तों ये मिस्त्री ने काम स्टार्ट कर दिया है। ये मसाला बनाया था जो वो उसको बिछाना शुरू कर दिया है यहाँ पर और इसके ऊपर ये लेवल करके सब छड़ लगाया जाएगा फिर अंकित मसाला भर भर के ला रहा है। इधर पानी भर दे और ये छोटू कर रहा है इधर बाल्टी जो घोल चाहिएगा उसके ऊपर उसको तैयार। ये दे रहा है मामा जी को मसाले। हाँ दोनों ले ली तो देखिए दोस्तों एक साइड ये इधर लगा दिए दूसरी साइड लगा रहे हैं और एक पीस ये आ गया एक इसके आ जाएगा और थोड़ा कटिंग होके लगेगा इसमें। जो मोटे मोटे से है यहाँ पर देखिए मसाला बना रहा है भाई। पानी मारो जा पहले मैं कर दो बंद। ये तो टूट रहा ना ये वाला सबको बिठा रहे हैं सबको मुझे अपना लेके जा रहे हैं आज जिले में आले भाई तो देखे फ्रेंड्स सारा काम निपटा दिया है मैंने। जादू भी पोछा ना लगा आज क्या ज़्यादा ठंड हो रही है हवा भी पूरी ठंडी ठंडी चल रही है देख आज तो ज़्यादा ही हो रही है ठंड। तो मैंने सोचा खिचड़ी छोंक देती हूँ तारी छोंक के मटर मुटर डाल के टमाटर आलू डाल के छोंक देती हूँ। दाल की ना दाल की कम खाते हैं इसलिए मैंने सोचा कि छोंक के अच्छी तरह से बना दूँ। दाल वाली बस पापा जी खा लेते हैं दाल वाली खिचड़ी वैसे तो कोई सा खाता नहीं कम सी खाते हैं हमारे यहाँ पर। तो मैं सोच रही हूँ खिचड़ी छोंक के बना लो अच्छी तरह से तारी आलू डाल के टमाटर मटर गोभी जो भी है सब डाल के बना देती हूँ अच्छी तरह से। तो मैं चलती हूँ रसोई में अभी पापा जी का फ़ोन आया था
के जाने थे दावत में, पर मना कर दी इन्होंने दावत में जाने को, तो इनकी खाना भेजना है अभी। सुबह नाश्ता करके जा लेते हैं, तो अभी बजे है 11 बजने में 10 मिनट रह रही है। तो मैंने सोचा कि पहले खिचड़ी छोंक लेती हूँ, इसके बाद मैं नहा लेती हूँ आराम से, काम निमट गया है मेरा सारा। तो रोटियाँ तो बस बाद में सेकनी है मुझे 12:30 बजे से। चलो साइकिल 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 पहुंच गया मुझे फनगरा जी मंडप में। देखो बूढ़ा हमारे और मुझे लगता है मुझे उधर के रहने वाले तो नहीं है, लेकिन मुझे उधर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो इनसे परिचित ना हो। बहुत ही जमीन स्तर के कार्यकर्ता है हमारे भाई नरेंद्र, यहाँ से विधायक और प्रदेश सरकार के मंत्री बड़े भाई नरेंद्र भगवान जी और मंच पर पहुंचाने का कष्ट करेंगे भारत सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारी का मंत्रालय दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आज जनपद मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में ये ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो यहाँ से अब हम चल दिए हैं, देखे किसी को रिक्शा मिली है, किसी को टायर मिले हैं, किसी को कुछ मिला है, शरीर का अंग जिसका जो खराब है वो अंग मिला है। देखे सारी देखिए ब्लॉक के साथ है वो गाड़ी, बुढ़ाना ब्लॉक की गाड़ी एक सामने वाली है, एक यह है, एक उधर है, 8 गाड़ी बुढ़ाना ब्लॉक की हैं और अन्य ब्लॉक की हैं। देखिए तो रिक्शा रख कर रहे हैं हर छत पे रिक्शा रख दिया इनके, कोई यहाँ से लेगा कोई ब्लॉक से ले लेगा। और अब चलने वाले हैं, समय हो चुका है 2:30 बज गए, तो 4 बजे तक घर पहुँच जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, रसोई का मैंने सारा काम निपटा दिया है, रसोई साफ कर दिया है, गैस साफ कर दिया है, देखिए बर्तन भी साफ करके रख दिया है। जो बड़े बड़े बर्तन है ना वे मैंने यहाँ पर रख दिया टोकरे में, जो 2 जोड़े कपड़े हैं वे धो देती हूँ। वैसे तो धूप निकल रही है आज, अभी बजे है 2:15, 2:15 बज रही है और अभी देखिए धूप भी नहीं निकल रही आज, ठंडी ठंडी हवा चल रही है ज़्यादा। अंदर कपड़े भेज देते हैं मैंने 2 जोड़े सरफ में, तो यहाँ पर देखिए दिखाती हूँ आपको, यहाँ पर 2 मेरा किया मैंने सरफ में, इन्हें यहाँ से ही धोती हुई आज के 2 जोड़े के ऊपर मशीन नहीं चलाती। चलो भाई ब्लॉग बना लिया हमने, 4 बज गए, 4 बज गए। चल 2 मिनट पीछे देख तो फोन आया है, अरे दोनों बहुत हो रहा है।
यहाँ पर देखे सोना जीतिया जीजा जी भी आ लिया है। जीजा जी नमस्ते। इधर से बैग उठा रहे भाई है थोड़ा सा मैंने पानी कर लिया है लिया था। चल तू ले गया सोना दीदी जीजा जी आया है इनके लिए पानी लेकर पानी लेकर चलती हूँ नीचे। अभी वे नीचे बैठे हैं तो देखे फ्रेंड्स चाय मैंने बना दिया है नमकीन बिस्कुट धरे हैं तो सोना दीदी को दे देती हूँ चाय नाश्ता कर लेते हैं। इधर चल रही है चाय ठंड इतनी हो रही बहुत ज़्यादा आज तो अभी आए हैं थोड़ी देर पहले तो देखें इधर पापा जी भी आ लिए हैं। पापा जी नमस्ते। ये देखे जी इसमें पत्थर डल चुका है हमारा बिच्छू है इसमें दाना भरा जाएगा और इस कमरे में कल होगा तब कल दाना भरा जाएगा उसके बाद ही काम चलेगा अगले कमरे में। इधर से गाय चल रही क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है आज तो दिन में सूर्य देव निकले नहीं कट्टे कैंक रह गए चार एक पाँच तो पाँच कट्टे रह गए। और सोने दीदी जी जी आए हुए हैं उसमें चला कलो काम यानी कि इसको मलवा गिर देंगे फिर रसोई में और फिर बैठेंगे फिर बरामदे में कार्य हमारा समाप्त हो जाएगा। फिर तो देखिए यहाँ पर खाना बन रहा है शाम के टाइम का दीदी आई है और वे भी हेल्प करवा रहे हैं पूजा की और पूजा जी बाहर टहल रहे हैं। देखिए क्या कर रही पूजा क्या कर रही क्या बनाया जब बहू आ जाएगी ना हमारे हमें फिर काम करने की जरूरत नहीं है तुम ठल्ली पे आ जाइए फिर और क्या मैं तो बैठ जाऊंगी ये दोनों लगा कर अभी। अच्छा हां मतलब क्या करेगी बड़ी हो गया मैं तो इसका मतलब हुकम चलाओगे मारे पे। हाँ और क्या नहीं अच्छा बड़ी दीदी तो नहीं क्या दीदी सबसे पहले मैं डग रहा है काम पे मुझे तो लगना पड़ा ही है।